ये तो टट्टी है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेड इन चाइना बायकॉट चल रहा है और तभी से सभी चाइनीज कंपनियां सोच रही हैं कि अपना टाइम आएगा। अब कब इनका टाइम आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल यहां पे वीवो का नया स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है जिसका नाम है वीवो Y30। कंपेयर करेंगे इसको ओप्पो के A31 से, देखेंगे दोस्तों किसमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। कंपेयर करेंगे इनके डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर को, साथ ही देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन रहेगा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी और क्या बेसिक डिफरेंस आपको इनमें देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं इसका एक क्विक कंपेरिजन। दोस्तों अगर शुरुआत करें डिस्प्ले से, सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को और डिज़ाइन को कि क्या कुछ खास दोनों में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो A31 की, वहीं इसको कंपेयर करेंगे फिर वीवो Y30 से। तो बात करें दोस्तों ओप्पो A31 की, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा और रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा आपको इसमें HD+ का। बात करें दोस्तों इसमें थिकनेस और वेट की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 8.3 mm की थिकनेस, वहीं वेट इसमें आपको अप्रॉक्स 180 ग्राम देखने को मिलेगा। अगर इसको कंपेयर किया जाए वीवो Y30 से, तो वीवो Y30 में मिलेगी आपको 6.4 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, सेम रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा आपको HD+ का, वहीं थिकनेस और वेट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। यहाँ पे आपको थिकनेस मिलेगी 9.1 mm की, वहीं वेट मिलेगा आपको 197 ग्राम का। दोस्तों अब कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरे को, तो बेसिकली दोनों स्मार्टफोन के कैमरे में एक बेसिक और मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप वीवो Y30 पे, वहीं दूसरी तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा ओप्पो A31 में। मतलब एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कम मिलेगा आपको ओप्पो A31 में। बात करें दोस्तों प्राइमरी कैमरे की वीवो Y30 के, तो 13 MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, अल्ट्रा वाइड एंगल मिलेगा यहाँ पे आपको 8 MP का, डेप्थ लेंस और वहीं मैक्रो लेंस दोनों ही आपको 2-2 MP के देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगर बात करें ओप्पो A31 की, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा 12 MP का, वहीं बात की जाए डेप्थ लेंस की और मैक्रो लेंस की, तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ आपको 2-2 MP के डेप्थ और मैक्रो लेंस देखने को मिलेंगे। अब बात की जाए दोस्तों सेल्फी कैमरे की, तो सेल्फी कैमरा मिलेगा वीवो में Y30 में 8 MP का, सेम सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा आपको ओप्पो A31 में। तो सिर्फ एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। दोस्तों वैसे तो प्रोसेसर में दोनों स्मार्टफोन में कंपेयर करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 2.3 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो बेस्ड है MediaTek Helio P35 पे। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कॉपी और पेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों कि सेम प्रोसेसर ओप्पो यहाँ पे A11K में भी देखने को मिल रहा था, मतलब आपको 9000 रुपये में भी आपको P35 देखने को मिल रहा था और 15000 रुपये में भी आपको P35 देखने को मिल रहा है। मतलब पैसों की वैल्यू बढ़ी गई है लेकिन प्रोसेसर की वैल्यू बढ़ाई नहीं गई है। मतलब आपको इसमें इसका जो प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस आपको 9000 रुपये वाले फ़ोन की देखने को मिलेगी, कुछ भी ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रोसेसर कंपैरिजन में यही था दोस्तों। आप अगर कंपेयर करें दोस्तों बैटरी और फास्ट चार्जिंग की, क्योंकि आजकल बैटरी सबको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और चार्जिंग तो उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे एक तरफ आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी साथ में नॉर्मल चार्जिंग, वहीं आपको 4230 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी ओप्पो A31 में, यहाँ पे भी आपको नॉर्मल चार्जिंग मिलेगी। तो बैटरी और चार्जिंग दोनों में ही एवरेज है, मॉडरेट है, कुछ ज़्यादा खास फ़र्क है नहीं। अब दोस्तों बात की जाए इसके एडिशनल फीचर्स की कि क्या दोनों फ़ोन में खास कुछ देखने को मिलता है, तो इतना ज़्यादा कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक दोनों स्मार्टफोन में आता है, बेसिक डिफरेंस मिलेगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक तरफ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा Android 9 ओप्पो A31 में, वहीं वीवो Y30 में आपको लेटेस्ट Android 10 देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ एक दो फीचर आपको और एडिशनल देखने को मिल जाएंगे वीवो Y30 में। वीवो Y30 वर्क करता है कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रंट टच में, वहीं ओप्पो A31 वर्क करता है कलर OS पर।
तो दोस्तों ये था कंपैरिजन दोनों स्मार्टफोन के बीच में, ये एक बेसिक कंपैरिजन था। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन 15,000 रुपये की रेंज में फिट नहीं बैठते हैं, ना ही आपको HD प्लस का रेजोल्यूशन चाहिए 15,000 रुपये में, ना ही आपको मीडियाटेक P35 चाहिए। लेकिन फिर भी दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई और फ़ोन पसंद है तो आप कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद है और कौन सा फीचर इनमें आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।